और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ में आतंकियों से सुरक्षा बल के जवानों की ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल लगातार वहां पे आतंकवादी विरोधी गतिविधियां जो हैं उनको चलाए हुए हैं, और जहां पर नकेल एक तरह से आतंकवादियों पर कसी जा रही है। तो इसी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आज सुबह से ही ये मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था कि अनंतनाग जो है वहाँ पर भी मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे दो जवान शहीद हो गए। लेकिन फिलहाल ये जो ताज़ा जानकारी आ रही है ये किश्तवाड़ को लेकर आ रही है, और यहाँ पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ में आतंकियों से सुरक्षा बल के जवानों की ये मुठभेड़ हुई है, और सुरक्षा बल जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन यहाँ पर अब चला रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवाद के खात्मे के लिए। और उस दौरान एक के बाद एक इस तरह की कई खबरें आ रही हैं जहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो आतंकवाद के इस नेक्सस को ख़त्म करने की लगातार कोशिश सेना और सुरक्षा बल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कई तरह की चुनौतियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो एक मुश्किल भूभाग है, एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, वो जहाँ पर जंगल हैं, पहाड़ हैं, जिनका सहारा लेकर आतंकवादी जो है वो छुप जाते हैं, उसके बाद वो घात लगाकर हमला करते हैं। अनंतनाग से भी ऐसी खबर आई जहां पर जंगलों का सहारा लेकर आतंकवादी छुपे हुए थे, और जब सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दो जवानों की हमारी शहादत देखने को मिली है। और फिलहाल जो खबर आ रही है वो किश्तवाड़ को लेकर आ रही है। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, अनंतनाग के बाद अब किश्तवाड़ से खबर आ रही है मुठभेड़ की, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, शुरुआती जानकारी निकल के आ पा रही है, सुबह जो है आतंकियों के साथ कॉन्टेक्ट स्टडीज हुआ है। ये किश्तवाड़ जो डोडा के पास पड़ता है वहाँ इनकाउंटर स्टार्ट हुआ और कुछ फायरिंग होने की खबर है। किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है, बहुत ज्यादा अभी जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है। किश्तवाड़ इलाके के बारे में बताएं आपको, पहाड़ी इलाका है, डोडा से सटा हुआ इलाका है। ये वही इलाका है कि जहाँ हमारा पिछले महीने जो है चार सैनिकों का नुकसान हुआ था। हालांकि दोनों इलाके में बहुत फर्क है, ये डोडा का दूसरा इलाका है, ये दूसरा इलाका है, लेकिन अमूमन कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं, और एक डोडा एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक पूरे कश्मीर की तरह एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहां कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से आतंकियों के लिए को अपनी कार्रवाई के लिए आसान होता है। लेकिन सुरक्षा बलों ने तय कर लिया कि जितने भी पहाड़ी इलाका है, जो जंगल का इलाका है, उन इलाकों में जो भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको जो है मार भगाया जाएगा, और किसी भी सूरत हाल में उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चलाए हुए हैं, और उस बीच में एक और मुठभेड़ की खबर सामने आई है।